चमन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, एक भूखे पेट के खातिर हसीनों का नाजुक बदन बिक रहा है, और तुम मानो ना मानो मैं सच कह रहा हूँ, कमीनों के हाथों वतन बिक रहा है। अब तक मोदी से देश में कोई विकास नहीं होएगा। राष्ट्रीय इशू पे चुनाव होना चाहिए और राष्ट्रीय इशू पे मोदी से अलग कौन है? तो उस टाइम अब तो विपक्ष बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं बोलने दे रहा? कौन नहीं दे रहा? लोकसभा में मैच तक बंद कर देते हैं, क्या नहीं बात? नमस्कार, मैं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हम डेली आपको दिखाते हैं किस्सा कुर्सी का। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के सलारपुर भंगेल गांव में। यहां पर हम करेंगे जनता से बात और जानेंगे जनता की राय, यहां की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, जनता किसको वोट करेगी, किसको सपोर्ट करेगी, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जनता पीएम किसको बनाएगी। सर, भैया 2024 लोकसभा चुनाव पास में आपके यहाँ सड़क के जो हाल हैं या जो फ्लाई ओवर ये बन रहा है, क्या कुछ को कहेंगे? और रोजगार यहाँ पे, रोजगार क्या माहौल है? अगर सड़कें इस तरीके से पानी भरे हुए जिस तरीके गड्ढों में, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? जब से फ्लाई ओवर बनना चालू हुआ है, जब से कारोबार ठप हो गए हमारे, कोई कस्टमर आने नहीं हैं, क्योंकि रास्ते की लोग हैं, रास्ते ख़राब हैं। आप देखो आप कैसी कंडीशन है, पानी भरे पड़े हैं यहाँ पर, कोई कस्टमर आने को तैयार नहीं है, सारे परेशान हैं, सब ने ये हैं। चाचा, इन सब मुद्दों को लेकर आप लोगों ने प्रशासन के पास या सरकार के पास कभी जाने की कोशिश की? वहाँ पे तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पे कोई कहा सुना है, या तुम्हारे चौकी वालों से, थाने वालों से बात हुई है, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा है। अब तो खाली लोग बाहर लगे हुए, इलेक्शन के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी जो रहने वाले, सभी परेशान हैं। यहाँ के रहने वाले मकान मालिक भी सभी परेशान, जब कोई आने वाला नहीं, जाने वाला, दुकानदारी नहीं किसी चीज़ की। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इतनी बदबू है, इतनी गंध है, तो आपको लगता है इसमें रोजगार इंसान अब दुकानदारी कर पाएगा अपनी? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर जो ये परेशानी है जिस तरह की, उसको देखते हुए आप यहाँ पर आए, और हमारी आवाज़ जो है, मुझे उम्मीद है कि आप नवाडा अथॉरिटी तक और प्रशासन तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक आप हमारी आवाज़ और हमारी परेशानी को पहुँचाने का काम करोगे। देखिए, पहले जो कोरोना की मार आती है, और जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है, कोरोना के ख़त्म होते ही तुरंत ही जो है इस फ्लाईओवर का काम शुरू हो जाता है, और फ्लाईओवर का जैसे ही ये काम शुरू होता है, अब यहाँ पर किसी की दुकान का किराया, रेंट 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, और यहाँ तक है कि यहाँ पर जो है 80,000 रुपये वाले किराएदार हैं, और यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस वक्त में लोगों के पास में काम नहीं है, बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी है। यहाँ पर कुछ दुकान मालिक हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत जो है किराया कम कराया है, जैसे 10,000 था, किसी ने 9,000 कर दिया है, किसी का 50,000 था, उसने जो 45,000 कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उससे कोई कुछ हो नहीं पा रहा है, गुजर बसर हो नहीं पा रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मार्केट के अंदर जो है कस्टमर आ नहीं पा रहा है, तो बहुत बड़ी परेशानी है। 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, और मान लीजिए सड़कें ऐसी रही, तो आपको लगता कि सरकार इस पर ध्यान देगी, या जो यहाँ के नेता हैं वो ध्यान देंगे, जो यहाँ विधायक वो ध्यान देंगे? क्योंकि अगर आप लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा, तो कैसी सरकार आप चाहते हैं? देखो, चुनाव के नज़दीक आते ही जितने भी नेता लोग होते हैं वो प्रचार प्रसार में जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ करीब 3 साल से ये फ्लाई ओवर बन रहा है, दुकानदार कितने परेशान हैं, लोग बाग यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अपनी दुकानों को, किराएदार यहाँ से जा चुका है, इसी वजह से जब दुकानदारी नहीं होगी तो किराया कहाँ से निकालेगा? तो आप लोग इसको लेके कभी गए यहाँ के, जो यहाँ का सांसद कौन है? कई बार यहाँ से अवगत करा चुके हैं, विधायक को भी अवगत करा चुके हैं। विधायक कौन है यहाँ का? पंकज सिंह विधायक हैं, बीजेपी के हैं, और शासन प्रशासन को भी दे चुके हैं, नोएडा अथॉरिटी को भी दे चुके हैं। ये आप देख रहे हो पानी भरा हुआ है, कई बार इसकी ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं, ट्विटर के माध्यम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये समस्या लगभग कितने सालों से यहाँ पे? 3 साल से कंटिन्यू समस्या है, लोग बहुत परेशान है, भाग रहा है यहाँ से छोड़ के। क्यों नहीं भागेगा? जब उसके रोजगार नहीं होगा, उसकी दुकानदारी नहीं होगी, किराया कहाँ से निकालेगा? तो इसलिए यहाँ से छोड़ के जा रहा है। बताओ, आप देख रहे हो कितना पानी भरा हुआ है, आप इसका एक शॉट लेना है, इसका भी विजुअल्स लेना है इसके पानी के। यहाँ पैदल चलना तो मुश्किल है, तो गाड़ी से कहाँ लेके आएगा, यहाँ से कहाँ सामान लेके जाएगा, कहाँ से लोगों की दुकानदारी होगी, कहाँ से पालन पोषण होगा, सब कारोबार ठप है, बिल्कुल ठप है। अब जैसे ही लोग, अब 2024 में लोकसभा चुनाव है, आप देखेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे चुनाव की डेट अपने तिथि घोषित कर देंगे, सब नेता लोग निकलेंगे, नेता निकलेंगे तो क्या होगा भाई, हमने जुमलेबाजी शुरू हो जाएगी, जुमलेबाजी चाहे बीजेपी है, बसपा है, सपा है, कोई भी है, जुमलेबाजी शुरू हो जाती है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। तो धरातल के जो काम है, तो हमारे दर्शक भी इसको देखेंगे और आप लोग भी देख रहे हैं, तो नेता जब, नेता कभी इस रास्ते से गुजरते हैं, वो भी जाते होंगे, वो भी देखते होंगे।
यहाँ से कमिश्नर भी निकलते थे पहले, अब तो रोड आगे से बंद है। सब नेता भी निकलते थे, विधायक भी निकलते थे, अभी चुनाव भी हुए थे, नेता रोज आते थे, लेकिन क्या मतलब है किसी को? जनता मर रही है, मर रही है, जनता तो मर रही है ना, लेकिन जनता की सुनवाई करने वाला कौन है? कितने बार हम इस कूड़े की जो है शिकायत कर चुके हैं, ट्विटर के माध्यम से कर चुके हैं, लेकिन उनकी अकड़ है, नोएडा अथॉरिटी वाले के जो एम्प्लॉई है उनमें अकड़ इतनी है, नहीं उठा के देते, उठाकर नहीं देखे। और यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, कई बार वो आते जाते हैं। चाचा क्या कहेंगे इस पे आप? इधर तो आते नहीं, जब से रास्ता क्लोज हुआ बंद हुआ इधर से तो कोई विधायक या कोई आता नहीं है, सब हाईवे से मेन रोड से निकल जाते हैं, इधर कौन देखता है। इधर तो ये छोटे आदमी जितने भी अपने मकान मालिक हैं, किराएदार हैं, वो ही रह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें क्या देख रहे हैं, उन्हें तो जब इलेक्शन आ जाएगा अपने यहाँ की जो कुछ सुविधा कराएंगे अपने निकलते पड़ते रहेंगे। लोग मजबूर हो रहे हैं यहाँ जाने के लिए, और किराएदार जो है कुछ रियायत कर रहे हैं, किराया कुछ कम करें। भैया आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव पास में है, आपके एरिया की यह दशा है, यहाँ पर इतनी गंदगी है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सड़कों का बुरा हाल है, तो किस तरीके का आप, कैसी सरकार आप चाहते हैं 24 में ऐसी सरकार हो? तो सफाई तो अपनी होनी चाहिए, बाकी यहाँ कहा हुआ कई बार है, होता कुछ है नहीं, करने के लिए कोई तैयार है नहीं, कहा हुआ सभी है, बाकी बस गंदगी फैलती हो, करने वाले हुई लोकल वाले। तो भैया जिस तरीके से यहाँ के माहौल हैं, 24 में आप कैसी सरकार देखते हैं? 24 लोकसभा चुनाव पास में ही है, सरकार के तो बाद की बात है। यहाँ व्यापारी गण इतना परेशान है, 3 साल हो गया, जबकि 1 साल के अंदर में पुल बनना चाहिए था, 3 साल हो गया, व्यापारी इतना परेशान है, किराया नहीं निकल रहे हैं, मालिकों के परेशान हैं, गंदगी से देखिए, आप देखिए वो कैमरा दिखाइए, इतना गंदगी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पुल बनना था 24 महीने के अंदर में, 36 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी आधा भी काम नहीं हुआ है, इतनी पब्लिक परेशान है, आने जाने के रास्ता नहीं है बिल्कुल, जबकि यहाँ पक्का सड़क है, मिट्टी हट जाए आने जाने की रास्ता हो जाए, इतना परेशान है पब्लिक, अब क्या कह सकता हूँ। सरकार भी कहती है, जैसे योगी सरकार लगातार कहते रहते हैं कि हम उनकी सरकार में सड़कें बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अभी एक योजना बनाई थी गड्ढा मुक्त, तो सरकार की नज़र इसी पड़नी चाहिए, जिनको नुमाइंदे हैं जो सरकार के, उनके जो निचले क्रम में हैं, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, तो उन लोगों की नज़र नहीं पड़ती इसमें, या आना ही नहीं चाहते, आते ही नहीं है? देखिए लोग बाग आना ही नहीं चाहते हैं, जहाँ पे सड़कें ठीक है, दुरुस्त हैं, वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं, यहाँ खड्डे, आप ये नहीं पता है खड्डा कहाँ है, सड़क कहाँ है, आप खुद अपनी तस्वीर में देख सकते हैं कैमरा लगा के कि सड़क कहाँ है, खड्डा कहाँ है, ये तो पता ही नहीं है। जबकि नोएडा सिटी है, नोएडा का सबसे बड़ा विकास क्षेत्र यहाँ होना चाहिए, लेकिन जहाँ विकसित हो रहा है वहाँ विकास कर रहे हैं, और यहाँ कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है, सब जुमलेबाजी है, धरातल पर कुछ नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूँगा, आपके जो चमन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, एक भूखे पेट के खातिर हसीनों का नाजुक बदन बिक रहा है, और तुम मानो ना मानो मैं सच कह रहा हूँ, कमीनों के हाथों वतन बिक रहा है। देखिए जो ज़िला गौतम बुद्ध नगर है हमारा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे अगर ज़बरदस्त राजस्व जाता है तो वो ज़िला गौतम बुद्ध नगर से जाता है, इतना पूरे उत्तर प्रदेश का है, इतना ज़िला गौतम बुद्ध नगर का है। तो अगर ये ज़िला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश को राजस्व दे रहा है, उत्तर प्रदेश के बाकी के 79 ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के राजस्व से चलते हैं, ज़िला गौतम बुद्ध नगर के राजस्व से चलते हैं, इतना राजस्व जो है ज़िला गौतम बुद्ध नगर से जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जो है ज़िला गौतम बुद्ध नगर का ख़ास करके ध्यान देना चाहिए, यहाँ का जो ध्यान रखना चाहिए जो, और ये नोएडा अथॉरिटी के अंडर में है, लेकिन पूरी नोएडा अथॉरिटी जो है वो तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में है। तो क्या है, ये सब लोग जो हैं भ्रष्ट हैं, और आने वाला 2024 का चुनाव जो होगा वो तो देखो हम सीधा बताते हैं, चुनाव जो अब जो चुनाव चल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर चल रहे हैं, जो ध्रुवीकरण के नाम पर चल रहे हैं, जो नफरत के नाम पर चल रहे हैं, तो चुनाव वोटिंग का तो कोई वही नहीं है। आ जाएंगे मोदी जी, आ जाएंगे, ये कह रहे हैं कि सब जो मोदी जी आ जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी नहीं आएंगे, आ जाएंगे दोबारा से मोदी जी, लेकिन कम से कम विकास होना चाहिए, लोगों को जो मतलब रोज़गार मिलना चाहिए, युवा नौजवान बेरोज़गार हैं, आज नौकरी नहीं है। योगी सरकार तो कहती है हमने 5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया, देखिए कहीं कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है, कोई विकास नहीं है, युवा नौजवान बिल्कुल बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। बिल्कुल जी, बताएं क्या करें। मोदी जी कुर्सी छोड़े और नए युवाओं को मौका दे तब होएगा विकास, जब तक मोदी जी है देश में कोई विकास नहीं होएगा। जो हम कपड़े पहन रहे हैं आने वाले टाइम में पत्तों के कपड़े पहनेंगे, इतना विकास हो रहा। पत्तों कपड़े क्यों पहनेंगे आप? कहीं नहीं क्या हो गया, आदमी के पास खाने को ना, पहनने को ना, करने क्या, कमरे किराए देने को नहीं है, नौकरी नहीं है, करोगे क्या?
सब कुछ बिक रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो अब से जो है देखिए 2014 से पहले जो हम लोगों का खान था, पहन था, जिस तरह का विकास था, जिस तरह का रोजगार था, जिस तरह की चीज़ें थी, आज 2024 होते होते वो सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है। आज जो है अगर भाई साहब ये कह रहे हैं कि वाकई जो है जब तक, और ये चीज़ भी इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से लोगों के अंदर हम भक्ति है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर लोग वोट देने का काम कर रहे हैं, और जितना भी जो है मतलब लोगों के अंदर नफरत भरी हुई है, इसका एहसास होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, आने वाले और 2-3 सालों में होगा, जब भैया कह रहे हैं कि जो मतलब जब कपड़ों की जगह नेकर की जगह जो है पत्ते पहनने लगेंगे, जब आएगा तो सही है भाई साहब के पास। विकास आपके हिसाब से विकास नहीं हो रहा, देश विकास कुछ नहीं हो रहा, सब महंगाई, दुनिया भर की महंगाई चल रही है, तो लोगों की सैलरी बढ़ रही है। अरे मैं एक कागज बनाने चले जाओ, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये मांगते हैं, जाति बनवा लो, आय बना लो, बोन बनवा लो, कुछ भी कागज नहीं बन कर देता एक भी। मैंने 4 बार ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, जब तक पटवारी को पैसे नहीं दोगे तब तक कागज नहीं बनेंगे। मैं साल तक मेरा ना जाति बना, ना आय बना, ना मूल बना। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिलता आपको? अरे कुछ नहीं मिलता, बस क्या मिलता, दुनिया भर गाड़ी खड़ी रहती है, उनका फोटो खींच लेते हैं, चलान चला जी तुम्हारे जी, नोट पार्किंग चलान, बताओ ये भ्रष्टाचार ना क्या ये? बिल्कुल। चाचा 2024 लोकसभा चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप? 24 लोकसभा चुनाव पास में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप बदलाव चाहते हैं कि योगी और मोदी कामों से आप खुश हैं? चुनाव 24 का है नेशनल लेवल पे, ना कि स्टेट लेवल पे, और नेशनल लेवल पे नेशनल इश्यू आने चाहिए, राष्ट्रीय इश्यू पर चुनाव होना चाहिए, और राष्ट्रीय इश्यू पर मोदी से अलग कौन है आज, कौन है मुझे बताओ? लोकसभा कह तो रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई तेल लेने गई, मेरे को नेशनल लेवल पे कोई विपक्ष हो बताओ। विपक्ष तो लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहा है कि भाई 20 लाख करोड़ जो आए कहां से। अबे ढोल बजाने को कोई कुछ बजाता रहे, नेशनल लेवल पे मुद्दा बताओ मेरे को, और नेशनल लेवल पे एक पार्टी बताओ जो एक पार्टी एकजुट हो जो मोदी का मुकाबला कर सके। बदलाव क्या कह रहे हैं आप? जो ज्यादा बोलेगा भैया उस पे ईडी सीडी भी अलग हो जाएंगे, इस बारे मीडिया वाले सब जो लोग डरे हुए हैं। चरित्र होना चाहिए जो खड़ा होके अपनी बात मजबूती से कह सके, फिर वही देखो 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 गाल बजाने वाली बात नहीं, गाल बजाने वाली बात नहीं, एक मुद्दा होना चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य देखो, आने वाले टाइम में तुम्हारे भविष्य कैसे जाएगा बच्चों का? पक्की बात सारे छोड़, नेशनल लेवल पे एक मजबूती कौन दे सकता है? विपक्ष मजबूत नहीं होगा, पब्लिक का कभी भला नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष कहाँ था? आज विपक्ष खड़ा हो गया तो आज विपक्ष नहीं है, विपक्ष सत्ता में आ गया तो आज विपक्ष नहीं है बेटा। क्या कह रहे हैं आप? अपनी बात तो रखता था उस टाइम, अब तो विपक्ष बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं बोलने दे रहा? कौन नहीं दे रहा? लोकसभा में माइक तक बंद कर देते हैं, क्या नहीं बात? चाचा बड़ा आरोप है कि लोकसभा में माइक तक बंद कर दिया जाता है। अबे ओ भाई, ये बातें करने को कोई कुछ कह ले, मेरे को सटीक कोई बात बताए। सुबंधु अधिकारी भट्टिया और ये शिवराज चौहान और वो हेमंत विश्व शर्मा सब भट्टियाचारी, इतना आरोप है पर उनकी जांच कोई नहीं हो, ना सीबीआई उनके पास जा रहा है, ना कोई जा रहा है, और विपक्ष के नेताओं भाई तेजस्वी यादव और दिलजीत कुमार सबके पास जा रहे हैं। ऐसा है भाऊजी, बोलने को कुछ भी बोल दो, तर्क के साथ बात होनी चाहिए, मैं तर्क जानता हूँ। आप कहीं किसी को कोई आरोप लगा दो, छुड़ाते रहो उस आरोप को। मेरा एक सोच बड़ी पक्की है, पक्ष भी मजबूत होना चाहिए और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए जो अपनी बात कह सके। कितने किसने विपक्ष वालों ने कितनी बार कोशिश की है सब इकट्ठे हो जाए, क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, इसका कारण बता दे मुझे कोई। तो ममता तो कह रही है कि सब लोग एकजुटता से आएंगे, एकजुट होने को कौन ममता के साथ कौन है? बिहार अलग बोल रहा है, कांग्रेस अलग बोल रही है, सारे अलग अलग बोल रहे हैं, इकट्ठा होने की पोजीशन में कौन है? क्या कहेंगे भैया, चाचा तो कह रहे हैं कि विपक्ष में चाहिए विपक्ष, लेकिन मजबूती के साथ कोई आए तो, नेशनल मुद्दा कोई रखे तो। देखिए अभी जो है दिक्कत है थोड़ा सा, लोग जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं दिक्कत क्या है। जब जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी का जिक्र आया, राहुल गांधी जी जिस तरीके से जो अडानी का या देश के जो भी नेशनल इंटरनेशनल और जो हमारे देश के महंगाई के बेरोज़गारी के मुद्दे हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी जो है अगर कोई इस टाइम पर जो है विपक्ष की हालत जो है हमारे देश में जो है इस वक्त में बहुत कमज़ोर है,
लेकिन क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी उसे एक तो कमज़ोर स्थिति है, उससे भी ज़्यादा और कमज़ोर करने की। कांग्रेस के वक्त में क्या होता था आपने देखा, कोमल वैंथ गेम में जो है घोटाला होता हमारे देश में, और कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के सांसदों को उसमें जो है जेल जाना पड़ा। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने लोग जो उसके सांसद विधायक जेल जा रहे हैं, पूरी तरीके से आज जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर जो है। चाचा क्या कहेंगे, कह तो रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों का, चार का मुकदमा बताओ जो इस सरकार ने कराओ और बताइए। नहीं, अभी जो है कोरोना काल के अंदर जो है प्रधानमंत्री फंड कोष में जो है इतना फंड आया, प्रधानमंत्री जी उसको हिसाब दे दें, और इससे ज़्यादा बड़ा क्या घोटाला होगा। वो इस देश की आवाम का, इस देश के गरीबों का पैसा था जो लोगों ने दिया था लोगों की मदद करने के लिए, बताइए कहाँ है उसका हिसाब। अच्छा, किसने मांगा हिसाब पार्लियामेंट में, और जो हिसाब भी देंगे क्या गले गले कूचे कूचे हर व्यक्ति को जाके हिसाब देंगे, वो कुछ तरीके की बात करें, कुछ तरीके का आरोप लगाएं। ये नहीं कि आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना है, बदनाम करने के लिए बदनाम करना है, जमीनी हकीकत कुछ होनी चाहिए। जमीनी हकीकत किसी के पास नहीं, एक भ्रष्टाचार का मुकदमा बता दो इस सरकार के अंदर, किस पे लगाओ। देखिए, बड़ा काउंटर अटैक आपने आप पे किया है कि चाचा कह रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा इस सरकार के किसी विधायक या सांसद पर बता दीजिए आप। देखिए, अभी कर्नाटक के अंदर जो है मेरे ख्याल से, मेरी पूरी जानकारी में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, शायद 7 करोड़ 700 करोड़ रुपए अभी कर्नाटक के विधायक के घर पर पाया गया, और उसको जो मतलब उसके यहाँ पर रेड मारी गई, लेकिन क्या हुआ अगले दिन ही उसको जमानत मिल गई। इनकी सरकार में उस पर तो जांच नहीं बैठी, उसके यहाँ तो कोई मतलब जांच एजेंसी बैठी नहीं, क्योंकि ये आज जो है पूरी तरीके से जो है जो इस देश का संविधान है उस देश के संविधान को जो कुचलने का काम कर रहे हैं। संविधान जो है वो तो खत्म हो चुका है बिल्कुल। चाचा, संविधान खत्म हो चुका? संविधान का रोना हर आदमी रोता है, अपनी बात कहने को कुछ है नहीं और संविधान पर आ जाते हैं। संविधान का पता है किसी को? संविधान के हिसाब से मुल्क चल रहा है, और संविधान का पता है कोई मेरे को व्याख्या दे सकता है? संविधान की स्पेलिंग बता सकता है कोई मेरे को? कुछ नहीं कहने को है तो संविधान को रोने लगो, संविधान के बारे में बात करने लगो, अपनी क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, जिस तरीके से कल अपना क्या स्टैंड है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि जब राहुल गांधी की पेशी हुई गुजरात में, उन्होंने जाके अपील की, फिलहाल उनको जमानत मिल गई वहाँ से, उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में, हम संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हम किसी से कमजोर नहीं पड़ेंगे। लड़ाई क्या लड़ रहे हैं, खामा खा के अंदर अपनी मेंबरशिप खत्म करके शहीद होना चाहते हैं, अपनी बात को क्लियर रखना नहीं चाहते हैं, गुमराह कर रहे हैं मुल्क को, इस जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं मुल्क को और खामा खा अपनी इमेज बटोरना चाहते हैं। और है क्या मुद्दा, क्या है मुझे बताओ, किसी को कहीं गाली दे दो, कहीं मुद दो, यही लोकतंत्र है हमारा, यही स्वतंत्र है हमारी, मुद्दों के बेस कोई बात ही नहीं करनी हमने, बिना मुद्दे के हवा बना के और पब्लिक को गुमराह करने की कहानी चल रही है, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना है और कुछ नहीं करना। पब्लिक गुमराह कौन कर रहा है? सारे विपक्ष कर रहे हैं, झूठ बोल के अपने को शहीद बना के। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अबे काहे की माफ़ी और काहे का जुल्म, लेकिन मीडिया में बने रहना है। इन्होंने हिंदुस्तान में पदयात्रा करी, कितने लोग थे? वही 800 लोग चल रहे थे। अच्छा, आपको लगता है इनकी पदयात्रा से कुछ फर्क पड़ता? पदयात्रा में थे कौन, पेड़ 800 लोग चल रहे थे, बसें साथ चल रही थी, रसोई किचन साथ चल रहा था, टेंट वाला साथ चल रहा था, जिस जगह गए वहाँ की पब्लिक कहाँ थी, वहाँ के लोग कहाँ थे? एक माहौल बनाने के लिए विपक्ष में मैं ही हूँ, विपक्ष बहुत बड़ा है लेकिन इनमें एकजुटता की कमी है। कितने प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? 8 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, मुकाबला करेंगे? ये विपक्ष मजबूत बने, आपस में अपने निजी स्वार्थ त्याग के एक देश को दिशा दे। चाचा, अच्छा, लेकिन पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि हम 200 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, एक क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी ने बोला 2022 में सबको पक्का मकान मिलेगा, किसी एक को पक्का मकान मिला बताओ, कोई खड़े हो तो किसी को बताओ मिला? 15 लाख मिले, यहाँ शहर में मकान बन रहे हैं, शहर में मकान किस पे नहीं है भाई? और कितने करोड़ का है आज मकान यहाँ शहर में? और जितने मकान बने हैं, जितने दिए लोगों को, वो जाके देखो ना, एक दिन में सब चीज हो जाएगा। 8 साल की ये सरकार में सब चीज एक दिन में बन के खड़ा हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। जितना कार्य कर रहा है उसको अप्रिशिएशन
उसको अप्रिशिएशन नहीं देखना। अगर जो आंध्र भगत होते तो मजबूत विपक्ष की वकालत नहीं करता। देख लीजिए किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर जो मजबूत विपक्ष की वकालत ना करते जो अंधभक्त होते। देखिए अंधभक्त का क्या है, जैसे कि कुलदीप सेंगर है बीजेपी का विधायक था, ठीक है, हाथरस की बिटिया देखिए उसको जो है जिंदा जला दिया गया। अभी ये संविधान की बात कर रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं संविधान की डेफिनेशन क्या होती है, तो इनकी नज़रों में संविधान की डेफिनेशन ये है कि आप जो है बच्चियों का बलात्कार करो, भाजपा के विधायक बच्चियों का बलात्कार करेंगे वो जेल नहीं जाएंगे, तो इनकी डेफिनेशन में संविधान ये है। जिस तरीके से जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो है दुरुपयोग करो ये संविधान है, लोगों के घरों पे जो बुलडोजर चलाओ ये संविधान है, करेगा भाई भरेगा बेटा ये संविधान है। अगर घर में पांच भाई हैं, एक भाई कोई गलत निकल जाता है और उसने कोई चोरी चकारी कर ली, तो उसमें उन चार भाइयों का क्या कसूर है जो पांचों के घर पर बिल्डोजर फेर दिया गया। ये तो कह रहे हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके अगर चार भाई हैं, बिना प्रीत नहीं होती भाई, भय नहीं दिखाओगे प्रीत नहीं होती। बुड्ढा भी जो घर का चौधरी रहे हुए ना, वो अगर जो मजबूती से लठिया लेके नहीं चलेगा परिवार नहीं इकट्ठा होता, परिवार नहीं चलता। क्या कह रहे हैं आप? ईवीएम बंद करो, पता पड़ जाएगी कौन आता कौन नहीं आता। मेन चीज ईवीएम हटाओ। चाचा ईवीएम पे बड़ा हमला किया। ठीक कह रहा है, ये बात ठीक कह रहा है। घर जहाँ जीत जाओ ईवीएम से वो तो जिंदाबाद, और जहाँ हार जाओ वहाँ मुर्दाबाद। ईवीएम ठीक कह रहा है भाई, ये आरोप ठीक है। मैं इसमें सहमत हूँ। मैं इनकी बात पे सहमत हूँ। आपकी बात पे सहमत है। अच्छा, इन्होंने महाभारत देखी है, कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता। पहले जिताते, फिर पहले हार गए फिर जिताएंगे। सही बात है ये भी। ये तो कह रहे हैं महाभारत देखना चाहिए उनको, पहले हराते फिर जिताते उनको। भाई जो कह रहा है भाई वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं? या सरकार छोड़ मोदी और योगी, या रोड बनवा दो मेरे भाई। चाचा कह रहे सरकार छोड़ो केवल रोड बनवा दो। पहले भी भैया कमा के ही खा रहे, अब भी कमा के ही खा रहे हैं, तुम्हें हमारा रास्ता बनवा दो, हम बड़े परेशान हैं, हमें ना काहे की जरूरत। समझ में आ गया, खत्म है यहाँ का रोजगार। अभी तो आप लेके आ रहे बीजेपी को, अभी आप कह रहे बीजेपी आएगी, फिर भी यहाँ कमा के खाने वाले आदमी है, ठीक है, हमारे यहाँ रास्ता बनवा दे, अपने मोदी कुछ भी करे और योगी कुछ भी करे। क्या कहेंगे यही भैया बताया गया, इसका ही रोड बनवाओ। तो जिस तरीके को लोगों को सुना आपने, जो यहाँ के आम मुद्दे हैं जैसे सड़क हो गया, सड़क पर गंदगी बहुत है, कचड़े भरे हुए हैं, यहाँ के सांसद विधायक के पास जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना ये है कि बीजेपी वास्तव में अच्छा काम कर रही है, वहीं कुछ लोग प्रहार कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, उनके कानून व्यवस्था के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर। कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुधीर सिंह, गौतम बुद्ध नगर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।